तो क्वेश्चन है मेरा, वेल प्रिपेयरिंग मिक्सचर ऑफ टी, 5% ऑफ टी इज लॉस्ट, इन व्हाट रेशियो ऑफ ट्रेडर्स शुड मिक्स टू काइंड ऑफ टी कॉस्टिंग रुपीज 600 के पर के जी एंड 450 पर के जी रेस्पेक्टिवली, सो दैट ही माइट गेन 25% एंड सेलिंग द मिक्सचर टी एट रुपीज 625। तो मुझे एक चीज़ तो पता है, सेलिंग प्राइस एस पी कितना है, 625 पर के जी। तो यहाँ से मैं सी पी निकाल सकता हूँ, सी पी क्यों क्यों निकाल सकता हूँ, क्योंकि 25% का गेन होता है, तो सेलिंग प्राइस में 25% का गेन यानी कि 125, 100/125 गेन। ओके, तो यहाँ से 25 4 जा 25 5 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 5 25, यानी कि सी पी इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 125 × 4 500। ओके, 500 क्या आया, सी पी आया। अब देखिए क्वेश्चन में पहली लाइन में बोला है 5% टी क्या हुआ है, वो लॉस्ट हो गया मिक्स करने के बाद। तो ये पाँच, ये तो 100% के लिए तो नहीं है, 500 5% क्या माइनस करना है, तो 95% के लिए ये, तो 95% के लिए सी पी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 475 आ जाएगा। ओके, सी पी। अब देखिए बीच में मेरा जो दो टी का सी पी दिया है वो भी सी पी है। अब मुझे इसमें क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है। तो उसमें मेरा सी पी क्या है, 600, और दूसरा सी पी क्या है, 450, और मेरा ओरिजिनल सी पी क्या है, मेरा 475 मैंने निकाला अभी। अब इसमें क्या करना है, सिंपली एलिगेशन देना है। एलिगेशन का कैसा देना है, माइनस कर देना है बड़ा नंबर से छोटा को। तो ये माइनस करेंगे तो 25, और ये माइनस करेंगे तो कितना, 125। रेशियो में आ गया 25 1 जा करेंगे ना डायरेक्ट, 25 1 जा 25 25 5 जा, तो 1:5 आ गया मेरा इसका आंसर। ओके, तो ट्रेडर शुड मिक्स 1:5। थैंक यू।